हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड बाय नेम ऋषभ। और आज हम बात करने वाले हैं दी एथर 450X के बारे में। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जैसे कि आप सब जानते हैं, और मार्केट में इस टाइम पे यही बेस्ट अवेलेबल है, और बेस्ट को कवर करना हमारी ड्यूटी बनती है आपके लिए। अब यहाँ पर मैं 450X के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, इसकी रेंज, एक्सप्लोरेशन, क्यों आपको लेना चाहिए, क्यों नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। अब हम चला रहे हैं एथर एक्स को। ज़रूरी है देखना है ये कैसे चलती है। थोड़ा ऑडियो का इशू आपको हो सकता है, बिकॉज बारिश काफ़ी, हवा का फर्क भी है। दिस इज़ द इको मोड, एज यू कैन सी 38 की स्पीड, 39, 58% बैटरी पे 46 किलोमीटर चला रही इको मोड पे। चलाने में वैसे गाड़ी को मज़ा आता है, आप देख सकते हैं, साथ साथ आपको चीज़ें दिखती रहेंगी यहाँ पर। आज हम बारिश में शूट कर रहे हैं, बिकॉज शूट करने का टाइम इतना मिलना नहीं था, आज का दिन ही था मेरे पास जिसको मैं शूट कर सकता था। बारिश तेज़ होती जा रही है, एंड यहाँ पर स्पीड होगी हमारी 51। इको मोड है इस टाइम पे, और इतनी ही इसकी टॉप स्पीड है 52-53 के आसपास। 45 किलोमीटर की रेंज आपके सामने दिख रही है अभी। मोड यहाँ पर चेंज कर पाएंगे तो यहाँ पर राइड मोड हो जाएगा, एक्सलरेशन बढ़ जाएगी और टॉप स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि 60 किलोमीटर की हो गई है। इसका हमने स्पोर्ट्स मोड कर दिया तो एक्सलरेशन और तेज़ हो गई है, जिससे स्पीड चली गई 70+75 तक चली गई है। इसी तरीके से इसका रैप मोड भी है, टॉप स्पीड भी आप 90 किलोमीटर तक अचीव कर सकते हैं आगे, लेकिन रोड ख़त्म हो रही है तो मैं इतना कर नहीं पाऊँगा, बट एक्सलरेशन इसकी काफ़ी हो जाती है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द एक्सलरेशन, विजिबिलिटी, कम्फर्ट। यहाँ पर है वॉप मोड सबसे तेज़, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एक्सलरेशन है इसकी, मज़ा आ जाता है इसको चलाकर। एंड इस टाइम पर 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ये 90 तक जाती है, बट ऑनेस्टली ये रोड इतनी सेफ नहीं लग रहा मुझे, तो मुझे स्लो डाउन करना पड़ेगा। बारिश भी हो रही है, सड़क भी उतनी सेफ नहीं है, रोड स्लिपरी हैं, एंड विजिबिलिटी मेरे लिए भी थोड़ी कम हो रही है हेलमेट की वजह से। एंड 90 तक सेफ थोड़ा कम लग रहा था। अब देख सकते हैं रेंज कैसे कम हो गई, 29 किलोमीटर हो रही है, बट एक्सलरेशन इस पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है, एंड काफ़ी सुपीरियर एक्सलरेशन मिल जाती है। विजिबिलिटी वाइज थोड़े मिरर बड़े होते हैं या सही साइड पर होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। पीछे कम दिख रही है, एल्बो ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। राइट वन पे भी सेम है ऑफकोर्स, और सामने लेकिन लुक अच्छी मिल जाती है, 7 इंच की टच स्क्रीन है यहाँ पर, नेविगेशन की ऑप्शन भी मिल जाती है यहाँ पर। ऑफकोर्स दिस इज़ वाटर प्रूफ टच स्क्रीन सिस्टम, एंड यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक मोटर ऑन ऑफ करने की ऑप्शन, मोड स्विच करने की ऑन ऑफ ऑप्शन, और उसके साथ साथ आपको नॉर्मल इको मोड पे कर लेता हूँ इसको, इको मोड पे रेंज आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। अगर आप इसके चलाएंगे, इसके रॉप मोड पे सबसे ज़्यादा चलेंगे, तो रेंज काफ़ी कम हो जाती है, जैसे कि हमने पहले देखा था। चार्ज करने का पोर्ट नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा, और इंडिकेटर की ऑप्शन मिल जाती है लेफ्ट साइड पर, लाइट की ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगी। सस्पेंशन वाइज थोड़ी स्टिफर साइड पर है, मुझे अच्छा लगता है कि टर्निंग वगैरह में इजी नहीं आता, सिटी में चलाने में, मैनूवर करने में बहुत बहुत इजी व्हीकल है ये। एंड इस टाइम पे 50 स्पीड है इसकी इको मोड पे, मैक्सिमम पूरी रेस देने पे भी इतनी ही रहेगी, 52-51 इसके आसपास ही रहेगी। इको मोड के अलग बेनिफिट्स मेरे को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये बढ़िया लगती है। एथर 450X की सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि नॉर्मल स्कूटी जैसी ही लगती है, ऐसे नहीं कोई इलेक्ट्रिक अलग से स्पेसिफिक लग रही है, बट चलाने। तो ये था मेरी तरफ से एथर 450X के बारे में डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ रह गया होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। कमेंट करके आप अपने ओपिनियन बताएं कि आप कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी प्रेफर कर रहे हैं, स्कूटर ले रहे हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल का सोच भी रहे हैं या नहीं। मुझे आपके ओपिनियन जानने अच्छे लगेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।